आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, मेरा नाम है भावना और आज हम किचन में बनाएंगे मैं अपनी नानी की रेसिपी एक्चुअली बनाने वाली हूँ। सिंघाड़े के आटे के साथ एक बड़ी यमी बर्फी वो बनाया करती थी और आज वही किचन में हम भी बनाने वाले हैं। इसका स्वाद थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन यूजुअल चीज़ें जो खाते हैं व्रत में उससे काफ़ी अलग होगा, तो आपको बड़ा पसंद आएगा। तो चलिए वो बर्फी हम बनाएं, उसके पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना, शेयर करना, जो भी रेसिपीज़ आप देखते हैं उस पर कमेंट करना। आपको ज़रूर बताना है मुझे कि कैसी लग रही है वो रेसिपीज़। एंड इसके अलावा जो बेल वाला आइकन है उसे आप क्लिक कीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज़ में डालती हूँ वो आप तक पहुँचे और आप उन पर अपना फीडबैक दें। और साथ में मेरा फेसबुक पेज है भावना चौधरी के नाम से, उसे आप लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं सिंघाड़े की आटे की गुड़ के साथ बर्फी। आज किचन में हम बना रहे हैं अपनी नानी की रेसिपी और ये है सिंघाड़े के आटे की बर्फी। और इसको हम व्रत में खाते हैं, इसके लिए मैंने सिंघाड़े का आटा यहाँ पर एक बोल भर के लिया है और ये गुड़ के साथ बनाई जाती है। आप चाहें तो चीनी के साथ भी इसे बना सकते हैं लेकिन हमने गुड़ लिया है तो अच्छा कलर इसमें ऐड हो जाता है। सो पूरा बोल भर के नहीं है, तकरीबन आधा बोल भर के मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। और अब इस गुड़ का पानी हमें पहले तैयार करना है। सो उसके लिए यहाँ पर इस तरह की जो भी स्टील की कटोरी आपके घर में है उस तरह से नाप ले लीजिए। दो कटोरी भर के पानी इसके अंदर मैंने डाला है और पानी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं ताकि जो गुड़ इसमें हम डालेंगे वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। सो पानी उबल चुका है और इसमें अब हम डाल देते हैं गुड़। और गैस को मैं कर देती हूं बंद और इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देंगे और इसको हम प्लेट से ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जितनी भी गुड़ की ये डलियां हैं ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और फिर हमारा ये गुड़ का पानी रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। और अब जो ये सिंघाड़े का आटा है हमारे पास एक बोल भर के, इसको हम सेक लेंगे घी के साथ। तो उसके लिए एक बड़ी चम्मच से मैंने घी यहाँ पर शुद्ध देसी घी ले लिया है और गैस शुरू कर दिया है और अब इसमें हम सिंघाड़े के आटे को यानी व्रत वाले आटे को सेक लेते हैं। तो आटा हमने डाल दिया है और अब फटाफट से इस सिंघाड़े के आटे को हम घी के साथ सेक लेते हैं। तो ये मेरी नानी की रेसिपी है जो आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं और मेरी मम्मा मुझे हेल्प कर रही हैं। मम्मा ने मुझे बताया है कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो जैसे हलवा बनाते हैं जिस तरह से आप गेहूं के आटे को सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही सिंघाड़े के आटे को भी हमने घी के साथ अच्छे से हम यहाँ पर सेक रहे हैं, अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं इसको। सो थोड़ा सा घी इसके अंदर हमने और डाला है, तकरीबन आधी चम्मच घी और मिक्स किया है और अब अच्छे से इसको हम घी के साथ रोस्ट कर रहे हैं। सो इतना घी डालना है कि आटा कुछ इस तरह से एक लिक्विडी फॉर्म में आ जाए, तो घी कम नहीं चाहिए, घी थोड़ा होना चाहिए इसमें। सो इस आटे को बहुत ज्यादा देर तक सेकने की जरूरत नहीं है, तकरीबन 3 से 3.5 मिनट के लिए इसको हमने सेक लिया है और ये देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसका कलर काफी हद तक चेंज हो गया है। और अब हमने गैस को यहाँ पे कर दिया है अभी बंद ताकि ये जले ना। और ये देखिए जितनी भी गुड़ की डलिया थी 2 से 3 मिनट जितनी देर में हमने आटे को सेका है सिंघाड़े के आटे को उतनी देर में ये बहुत अच्छे से बिल्कुल सारी गुड़ की जो डलियां हैं वो मेल्ट हो गई हैं। इसको अभी हम छान के सिंघाड़े के आटे में डाल देंगे और अब इस गुड़ के पानी को सिंघाड़े का आटा जिसको हमने घी के साथ सेका है उसमें हमने स्ट्रेन करके डाल दिया। तो इस तरह से छान लीजिए और अब वाह बहुत ही सुंदर कलर। सो ये देखिए सारा का सारा पानी सिंघाड़े के आटे ने पूरा सोक कर लिया अच्छे से और सिंघाड़े के आटे की बर्फी यहाँ पर हम बना रहे हैं। और अब ये घी की परात है और ये घी की परात है जिसको मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया था और अब उसमें हमने जो सिंघाड़े का हमारा मिक्सचर है
घी में सिका हुआ जिसमें हमने गुड़ का पानी भी ऐड कर दिया वो हमने डाल दिया है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसको इस तरह से फैलाना है हर तरफ। और अब इसमें हम लगा देंगे चांदी का वर्क। तो वैसे हम चांदी का वर्क लगा रहे हैं, आप चाहें तो इसमें कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं। सो ये अभी भी हल्का हल्का गर्म है और इसके ऊपर हमने चांदी का वर्क लगा दिया है, आप चाहें तो कोकोनट पाउडर भी इसके ऊपर डाल के अच्छी सी गार्निशिंग कर सकते हैं। और अब मैंने ले ली है छुरी और अब इसे हम बर्फी के शेप में कट कर लेते हैं। सिंघाड़े के आटे की हमारी ये व्रत वाली बर्फी बनके हो चुकी है रेडी और इसको हम रख लेते हैं अपनी प्लेट के अंदर। तो ये देखिए बर्फी बनके रेडी हो गई है और इसको हमने अच्छे से प्लेट पे सजा लिया है और आप देखिए कैसी लग रही है, आपको सुंदर लग रही है ना, वाओ। तो हमारी सिंघाड़े के आटे की गुड़ वाली ये बर्फी बनके रेडी हो चुकी है जो मेरी नानी की रेसिपी है और आज मैंने अपनी किचन में अपनी मम्मा की हेल्प से इसे बनाया है। ये खाने में बहुत यमी है, इसमें गुड़ का इस्तेमाल हमने किया है तो कलर बहुत सुंदर आया है इस बर्फी का और मम्मी मुझे बता रही है कि ये वाली बर्फी वो फ्रेश फ्रेश बनाते थे और फटाफट गपागप खा जाते थे। आप भी जरूर अपने घर वालों को खिलाइए, आई एम श्योर कि उन्हें बहुत पसंद आएगी हमारी ये सिंघाड़े के आटे की व्रत वाली बर्फी की रेसिपी। और अगर आपको ये बर्फी पसंद आई है व्रत वाली तो अभी के अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल वाले आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की और भी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं और आपका फीडबैक ले पाऊं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है भावना चौधरी के नाम से, आप उसे लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप मुझे जरूर फॉलो भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सिंघाड़े के आटे की यानी व्रत वाली ये बर्फी को देखने के लिए, पसंद करने के लिए और साथ में सब्सक्राइब करने के लिए भी। चलिए मिलती हूँ जल्दी आपसे अपनी एक और रेसिपी के साथ।